आई ऑल्सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पालो आल्टो फायरवॉल का डैशबोर्ड के भाई ये जब लॉगिन करते हैं तो कैसे कैसे पालो आल्टो फायरवॉल दिखता है और इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास मैनेजमेंट आईपी होगी ऑब्वियसली, या कंसोल से आप जीयूआई एक्सेस नहीं कर सकते तो मैनेजमेंट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट रहेगा, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, देन यू विल इंटर इन टू द डैशबोर्ड। तो अब मैंने लॉगिन कर लिया, अब इसके अंदर क्या क्या हम मैं देख सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। तो सिंपली हम आज समझेंगे कि भैया पालो आल्टो के डैशबोर्ड कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग परपज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द डैशबोर्ड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आपको बेसिक चीजें दिखती है रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग स्टफ, आप बोल सकते हो। मॉनिटरिंग की जितनी भी चीजें होती है वो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे डिवाइस का मॉडल कौन सा हो गया, डिवाइस को आईपी जो मिल रखी है वो मैनेजमेंट की आईपी क्या है, वो उसका मेथड क्या है, जैसे अभी जो मिल रखी है वो डीएचसीपी से मिल रखी है और आईपी क्या है ये है, उसका सबनेट मास्क क्या है, मैनेजमेंट का गेटवे क्या है। इसके अलावा आपको इसका मैक एड्रेस मॉडल कौन सा है, जैसे मेरे पास 3020 मॉडल है, उस मॉडल का सीरियल नंबर क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा चल रहा है, और एप्लीकेशन वर्जन, यूआरएल फिल्टरिंग वर्जन, ये आपको अगर आपको लाइसेंस चाहिए इनके लिए यूआरएल फिल्टरिंग के वगैरह के लिए। अदरवाइज इसका स्टार्ट टाइम कब हुआ, कितने टाइम से ये चल रहा है, डिवाइस सर्टिफिकेट स्टेटस, मतलब अगर इसको मैनेजमेंट एक्सेस करने के लिए ये जो एरर आ रहा है ना उसका सर्टिफिकेट का स्टेटस। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज है सिस्टम रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो मैनेजमेंट सीपीयू, एक डेटा प्लान सीपीयू, और यहाँ पे सेशन काउंट। ये तो ये जो मेरा फायरवॉल है वो 2,62,000 2,62,142 सेशन कैन सपोर्ट इट, राइट नाउ देर इज जीरो सेशन गोइंग ऑन। देन दिस इज अ सीपीयू यूटिलाइजेशन, दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट, इफ समथिंग इज स्लो इज गोइंग ऑन एंड समवन कंप्लेनिंग दैट माय इंटरनेट इज वर्किंग वेरी स्लो, देन यू कैन चेक दैट सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ द फायरवॉल। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट CPU is not related to the data process. Management CPU never process the actual data. Data plan CPU actual process the user data. So it should be, I mean, less than 70%, 70 to 18. 18 is on risk, but yeah, ideally should be 20 to 50 in between. So then again, यहाँ पे एक आपको दिखेगा एडमिन में आपने किसने लॉग इन किया है, ये हिस्टोरिकल भी दिखाता है कि लास्ट जो लॉगिन किया है वो ये इतनी कहाँ से किया था, कंसोल से किया था, ये टाइम है, कितने देर तक वो लॉगिन करके रखा था, ये वगैरह चीजें। और यहाँ पे सिस्टम के लॉक्स, जितने भी सिस्टम लॉक्स के मतलब किसने लॉगिन किया, आईपी क्या था, जैसे यहाँ पे डीएचसीपी से एक आईपी मिला, फिर इसने कमिट किया, फिर इंटरफेस अप डाउन आया मैनेजमेंट का। तो जितने भी सिस्टम रिलेटेड लॉग्स हैं वो आपको यहाँ पे लॉग दिखेंगे। तो ये भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाए इंटरनेट या नेटवर्क में तो, और आपको देखना है कि ऐसा क्या हुआ है फायरवॉल पे, तो आपको यहाँ पे सिस्टम लॉग्स में दिख जाएंगे वो लॉग्स। अब वो लॉग्स इसके अलावा हम यहाँ पे विजिट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम मैं चाहता हूँ भाई और ऐड करूँ तो मैं इंटरफेसेज वाला विजिट भी ऐड कर सकता हूँ, तो इंटरफेसेज वाला भी मुझे दिख जाएगा यहाँ पे क्लियरली। अभी मेरे पास 18 इंटरफेसेज है, कोई भी प्लग्ड नहीं है, तो सारे रेड रेड दिखा रहे हैं, रेड और ये मतलब नॉट इन यूज, सो ये दिखा रहा है। इसके अलावा मैं और विजिट ऐड कर सकता हूँ, हाई अवेलेबिलिटी, अगर एच ए में होता तो ये हाई अवेलेबिलिटी में यहाँ दिख जाता। इसके अलावा सिस्टम में सारे कर दिए, अब लॉक्स में यूआरएल फिल्टरिंग लॉक्स में कर सकता हूँ, एप्लीकेशन में टॉप एप्लीकेशन में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जैसे ही लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे बेसिक चीजें मिल जाएगी, क्या हुआ था, अब मान लो सिस्टम से रिलेटेड क्या हुआ है,
उसके पालो अल्टो फायरवॉल पे किसी ने यूजर बनाया है, कि आईपी मिली है मैनेजमेंट को, क्या इंटरफेस अप डाउन आए हैं, जितने भी सिस्टम रिलेटेड लॉग्स है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, वो क्रूशियल होते हैं कोई भी ट्रबल शूटिंग करें। और ये खुद के बारे में कौन सा वर्जन करंटली रनिंग हो रहा है, ये बाकी टॉप एप्लीकेशन, ये अभी क्योंकि रनिंग में नहीं है तो यहाँ खाली है, रनिंग में होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये लास्ट 5 मिनट का ही डेटा दिखाता है, 1 मिनट का भी आप चूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से रियल में यहाँ पे 5 मिनट का भी आप और भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट डैशबोर्ड। देन यू कैन आई मीन अगर आपको लॉग आउट करना है पालो आल्टो, तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो डॉ टॉप कॉर्नर बॉटम कॉर्नर से, एंड यहाँ पे जो ऑलरेडी क्या क्या टास्क चल रहे हैं, अगर आपने कोई टास्क ऑलरेडी कमिट कर दिया है या कोई क्यू में है ऑलरेडी आपने कमिट कर दिया है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, रनिंग में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कब कब किसने क्या किया है, मतलब कितनी बजे क्या क्या कमेंट कमिट हुआ है, वो भी आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ आपको दिख जाएगा। यहाँ से ऑफ कोर्स लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो ये एक मोटा मोटा डैशबोर्ड के बारे में, डैशबोर्ड सबसे आई मीन उस डिवाइस के बारे में पता लगाने के लिए सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है डैशबोर्ड हमारा। इसके अलावा धीरे धीरे हम सीखेंगे पालो आल्टो फायरवॉल कैसे, मतलब पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, रोजाना का मैं पालो आल्टो का एक वीडियो बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा, बस आप देखते रहिए। थैंक यू।